आपका होस्ट और दोस्त विकास, और आज मैं रिव्यू करूंगा इस साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म साहो। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक सिक्सर। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो बड़े मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। मुख्य भूमिका निभाई है प्रभास, श्रद्धा कपूर, चंकी पांडे और मुरली प्रसाद जैसे दिग्गज कलाकारों ने। मैं अगर आपको एक वन वर्ड रिव्यू दूं इस फिल्म के बारे में, जो बाहुबली के बाद जो क्रेज बना था प्रभास का उनकी फिल्मों को लेकर, तो मैं कहूंगा ये एक बिल्कुल एवरेज फिल्म है। पूरे 2 सालों से इंतजार था दर्शकों को प्रभास की नई फिल्म का, जो साहो थी, और इसके लिए 2 साल लिए प्रभास ने, और सबको उम्मीद थी कि बाहुबली के बाद कुछ ऐसा बड़ा धमाका होगा, कुछ ऐसी बड़े लेवल की फिल्म बनाएंगे। साहो नो डाउट बहुत ही बड़ी लेवल की फिल्म है, प्रोडक्शन वैल्यू 350 करोड़ है, लेकिन कहीं भी स्क्रीन पे आपको 350 करोड़ नहीं दिखेंगे, ना ही उस तरह की प्रोडक्शन वैल्यू दिखेगी। फिल्म एक बहुत ही एवरेज स्टोरी लाइन है, जो कि लोग हर रोज़ देखते ही रहते हैं, 10,000 करोड़ की चोरी और उसके पीछे पुलिस। एज यूजुअल स्टोरी में श्रद्धा कपूर जो फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं उनका वही रोल है जो हर फिल्म में, एक हिंदी फिल्म में एक हीरोइन का होता है, यानी कि नॉनसेंस। कहानी मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, 10,000 करोड़ की चोरी होती है और दुबई में एक अंडरवर्ल्ड सिटी है जो कि काफ़ी डेवलप्ड है, और वहाँ के जो किंग पिंस हैं नील, नितिन मुकेश, चंकी पांडे और ऐसे कुछ विलन्स हैं। इस फिल्म का जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो है चंकी पांडे। चंकी पांडे को हम लोगों ने हमेशा एक कॉमिक किरदार में देखा है, हमेशा ही एक हंसाने वाले किरदार में देखा है, लेकिन इस फिल्म में वो एक फुल फ्लेज हार्डकोर विलन है। हाँ, साहू के मेन विलन है चंकी पांडे। पूरी फिल्म में चंकी पांडे ने अपनी इमेज, अपनी जो विलन वाली इमेज है, अपना जो पागलपन है, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है, और मैं कहूँगा कि अगर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के लिए दिया जाता है, ये साउथ की फिल्म है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो चंकी पांडे ने बहुत गहरी छाप छोड़ी है एज अ विलन। खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चंकी पांडे कभी विलन बन सकते हैं और इतनी बेहतरीन रोल को कर सकते हैं। मुकेश सिर्फ एक शोपीस के लिए रखे गए हैं, उनका कुछ ज़्यादा डेवलप्ड रोल है नहीं चंकी पांडे के आगे, और वो एक बस शोपीस बनकर रह गए पूरी फिल्म में दिखाने के लिए, तो उन्हें कुछ मौका दिया नहीं गया है। कपूर की अगर हम बात करें, श्रद्धा कपूर एज़ यूजुअल वही एक्टिंग करती आ रही हैं, उनकी ये पहली साउथ फिल्म है, और लेकिन हालांकि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में बहुत ही अच्छी दिखी है। फिल्म की अगर म्यूज़िक की बात करें, फिल्म का म्यूज़िक एक दो गाने हिट हो चुके हैं, साइको सैया और एनी सोनी तू, जिसे गुरु रंधावा ने गाया था। मैं समझता हूँ यहाँ अगर एआर रहमान का म्यूज़िक लिया जाता तो शायद म्यूज़िक और चार्ट बस्टर्स में नंबर वन पे होता और उससे फिल्म को कुछ फ़ायदा होता। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत, जिनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी प्रभास को लेकर फिल्म बनाने की, यानी कि साहो, ये मैं कहूँगा ये एक एवरेज फिल्म बन के रह गई है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। साहो के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, मेरी खुद की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि ये फिल्म ज़रूर बहुत बड़ा धमाका करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2,000-3,000 करोड़ कर पाएगी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल ही एवरेज फिल्म है। अगर आप ये फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन ये सोच कर कभी ना जाएं, बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर ना जाएं कि प्रभास की बाहुबली है जैसी फिल्म और ये साहो भी वैसी ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही एवरेज फिल्म है और एक टाइम पास है, वन टाइम वॉच है। तो ये था मेरा रिव्यू फिल्म साहो के लिए। अगले रिव्यू तक लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।